YouTube। हेलो दोस्तों, मैं हूं सुमित। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MIUI बेस्ड कुछ थीम्स के बारे में। तो आपको पता होगा कि भाई MIUI टेल का अपडेट तो मिलने से रहा, तो मैंने सोचा यार क्यों ना आपके लिए भाई MIUI की थीम्स ही लाई जाए, जो कि MIUI 11 और आने वाले MIUI 12 के अपडेट में भी वर्क करेगी। अपडेट कब मिलेगा इसका मुझे पता नहीं, बस हम बात करने वाले हैं MIUI की थीम्स के बारे में। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं भाई, काफ़ी सारे लोगों ने, भाई मुझे नहीं पता कितने सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि ये जो थीम है भाई ये कौन सा थीम है। भाई मेरे को खुद नहीं पता था भाई ये कौन सा थीम है, क्योंकि मैंने इस थीम का एक बैकअप लिया हुआ था। बैकअप से भाई मैंने इस थीम को, जो बैकअप होता है ना वो, और जिसकी ओरिजिनल थीम थी वो डिलीट हो गई थी। फिर उसके बाद मैंने इस थीम को फाइनली ढूंढा कौन सी थीम है, क्योंकि ये कस्टमाइज थीम है, मैंने कस्टम करके बनाई हुई थी। तो बता दूंगा कौन सी थीम है, आप इसको अप्लाई कर सकते हो, और दो तीन थीम्स के बारे में और बात करेंगे जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो यार वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन, खुशी मिलती है कि आपको वीडियो पसंद आई तो मेरे को और वीडियोज़ बनानी चाहिए। और आपका एक सब्सक्राइब तो दिल खुश कर देता, दिल से खुशी आती कि यार मुझे काफ़ी बढ़िया लगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं भाई इस MIUI यानी MIUI की थीम्स के बारे में। सबसे पहले मैं अपनी थीम के बारे में बात करूँगा, ये मैं थीम कौन सी यूज़ करता हूँ। तो देखो भाई यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये कस्टमाइज थीम थी भाई, मेरे को खुद ही नहीं पता था कौन सी थीम थी कौन सी नहीं। तो यहाँ पर इसको हम पहले नॉर्मल, मैं अपने डिवाइस को नॉर्मल कर लेता, उसके बाद मैं आपको करके दिखाऊंगा किस तरह से आपको करना है। तो देखो यहाँ पर आपको एक भाई, यहाँ पर मेरे ये जो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर थीम बैकअप है। ये थीम बैकअप मैंने बैकअप बना लिया था, मैंने कि जब मैं कुछ कर रहा था तो इस वजह से भाई मेरा वो थीम ओरिजिनल डिलीट हो गया। अब यहाँ पर आप देखो, ये आपका डिवाइस जो नॉर्मल हो चुका होगा, कुछ इस तरह से आपका नॉर्मल है। तो अब सिंपल आपको मेरे तरह लुक बनाने के लिए आपको करना क्या है, दो थीम डाउनलोड करना पड़ेगा। तो उन दोनों थीम का नाम है, एक का भाई यहाँ पर टाइम, यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर टाइम बोला लिमिट स्टाइल 2012, सॉरी भाई कुछ भी बोल देता, लिमिट स्टाइल 12 लिखा हुआ है। तो जाके आप डाउनलोड कर लेना, एलेक्स वुल्फ डॉग भाई डेवलपर काफ़ी अच्छे, बहुत सारी थीम बनाई हुई है, आप जाके डाउनलोड कर लेना। पहला थीम ये वाला है और दूसरा थीम जो भाई वो है पोको FY। ये दोनों थीम से मेरा वाला थीम बनेगा, अगर आपको मेरा वाला थीम बनाना है तो। तो सबसे पहले आपको ये चल भाई लिमिट स्टाइल वाला थीम है भाई, इसको अप्लाई कर लेना है। तो भाई ये इंटरनेट मांग रहा है यार, ये चीज़ तो गलत है। तो यहाँ पर मैं भाई इंटरनेट दे देता हूँ, और देख सकते ये वाला थीम आ चुका है, इसको हम नोट नाउ पे कर देते हैं। नोट नाउ के बाद अब यहाँ पर थीम अप्लाई हो चुका है, इसको हम बंद कर देते हैं। थीम अप्लाई होने के बाद इसमें जो भाई स्टेटस बार देखने को मिलता है वो यही वाला देखने को मिलता है जो कि मैं यूज करता हूं। तो भाई मेरे को खुद ही नहीं पता था यार ये चीज इसमें देखने को मिलती है। तो देखो भाई यहां पर ये आ चुका है कंप्लीटली, आप देख सकते हो ये वाला स्टेटस बार आ चुका है। लेकिन आइकन्स आप देख सकते हो, मेरे को इसके आइकन्स नहीं पसंद आए थे, तो मैंने क्या किया इसके आइकन्स के नहीं, ये वाली जो थीम है भाई ये वाली पोको फाई वाली, इसको आपको अप्लाई नहीं करना। इसको बस सिंपल आपको करना क्या, ये वाली थीम अप्लाई करने के बाद कस्टमाइज में जाने के बाद आइकन्स में जाना, आइकन्स में जाने के बाद आपको ये पोको फाइव वाला देखने को मिलेगा, इसको अप्लाई कर देना। तो यार फिर से इंटरनेट मांग रहा है यार, क्या ये थीम स्टोर भाई, इतनी छोटी छोटी चीज़ के लिए इंटरनेट मांगता है। फिर अप्लाई कर दिया, अप्लाई होने के बाद अब आप यहाँ पर जाओगे तब आप देख पाओगे कि आपके आइकन जो वो कंप्लीटली चेंज हो चुके हैं। अब उसके बाद भाई यहाँ पर अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इसकी लॉक स्क्रीन भी भाई मेरे को कुछ ज़्यादा खास पसंद नहीं आई थी, अगर आपको अच्छी लग रही तो आप रख सकते हो, बट मेरे को पसंद नहीं आई थी तो मैंने इसकी लॉक स्क्रीन को भी चेंज कर दिया। तो आप कस्टमाइज में जाकर लॉक स्क्रीन को भी चेंज कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। बाकी तो यहाँ पर आप देखो बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही लुक देखने को मिल जाता है। तो इसका भाई यहाँ पर अब आप यहाँ पर वॉलपेपर वगैरह लगा लोगे तो बिल्कुल सेम वही वाला थीम बन जाएगा जो कि आपको चाहिए। तो यहाँ पर हम चले जाते हैं भाई यहाँ सेटिंग में, हम चले जाते हैं भाई यहाँ पर वॉलपेपर, तो वॉलपेपर देख लेते हैं भाई किधर है हमारा वॉलपेपर, अदर्स में भाई वॉलपेपर, तो हाँ भाई ये रहा वॉलपेपर, तो ये वाला मैंने वॉलपेपर लगाया हुआ था जैसे कि आपको पता होगा। तो इसको हम कर लेते हैं सेट वॉलपेपर, इसको हम दोनों पर लगा देते हैं। ओ भाई ऑटोमेटिक लग रहा है, तो सेट वॉलपेपर अप्लाई बोथ पे कर देते हैं, हम दोनों पे लग जाएगा ये वाला वॉलपेपर। आपको भाई मेरे टेलीग्राम ग्रुप ये चैनल में जाके देख लेना, वहाँ मिल जाएगा। तो आप देख रहे हो कम्प्लीटली भाई वैसे ही लुक बन चुका जिस तरह से मेरा कस्टमाइज थीम का था। यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपको MIUI 12 वाला यहाँ पर आपको देने हो जाता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो एक बार अपने डिवाइस को भाई प्लीज़ से रिव्यूट कर लेना, तब आपका सही तरह से वर्क करेगा। आप देख सकते हो भाई ये कम्प्लीट वैसे ही वाला लुक बन चुका। तो भाई इस तरह से मैंने कस्टमाइज किया था, मेरे को काफ़ी मेहनत लगा इस थीम को ढूंढने में, क्योंकि मैं भूल चुका था क्या था, बहुत सारी थीम मैंने डाउनलोड की उसके बाद जाके मेरे को चले। तो प्लीज यार एक लाइक कर देना। तो ये था भाई पहला थीम, अगर आपको अच्छा लगा तो आप कर सकते हो भाई, आपको सर्च करना पड़ेगा, कोई भी लिंक वगैरह नहीं है मेरे पास, सर्च करोगे आपको दोनों थीम मिल जाएगा। पहला थीम था, आप बताना आपको ये वाला थीम कैसा लगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं और कुछ थीम की, तो और जो सबसे बढ़िया थीम लगी है वो है भाई यहाँ पर ये वाली IP14। तो ये वाला जो थीम है ना भाई एकदम मस्त है यार, क्या बताऊँ क्या ही गजब थीम है। और यहाँ पर आपको देख सकते हो ये अप्लाई हो चुका है। उससे पहले यहाँ पर एक चीज़ और दिखा देता हूँ यार मैं, कि देखो थीम अप्लाई हो चुका है, और बहुत से लोग यार फॉन्ट के बारे में पूछते हैं भाई फॉन्ट कौन सा यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर मैं फॉन्ट पर चले आता हूँ, तो देखो भाई यहाँ पर ये वाला फॉन्ट है यार, ये भी भाई यार क्या है यार, सब कुछ इंटरनेट क्यों मांग रहा है क्या है भाई। ये भी बैकअप थीम के साथ ही है भाई, आई डोंट नो भैया
कौन सा फ़ोन था। वैसे तो था भाई, क्या नाम है उसका, वन सैमसंग वन यूआई वाला, तो वही वाला भाई, आप जाकर चेकआउट कर लेना। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही है, मैं आपको जल्दी जल्दी दिखा देता हूँ थीम ये कैसा है। तो यहाँ पर आप देखो, जैसे इस थीम का अप्लाई करोगे तो कुछ इस तरह से आपको भाई इसका होम इंटरफेस देखने को मिलेगा। अगर आपको ये लेआउट ना दिखे ना, तो सबसे पहले आप अपने स्क्रीन पर टाइम ऐड करना, टाइम विजिट शो होता है यहाँ पर, ये पिंच करके यहाँ पर हम सेटिंग में जाते हैं। सेटिंग में जाने के बाद, अरे भाई वॉलपेपर क्यों करा, विजिट्स में जाने के बाद यहाँ से कोई भी एक टाइम स्क्रीन पर उठा देना, फिर दोबारा थीम का अप्लाई करना, तो आपका ये टाइम विजिट आ जाएगा। तो यहाँ पर जैसे, तो यहाँ पर हमारा वेदर दिखा रहा है कि भाई क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, दिन दुनिया में कितना टेम्परेचर चल रहा है, वो सब दिखा रहा है। बाकी आप देखो इसका स्टेटस बार कुछ इस तरह से देखने को मिलता है, नोटिफिकेशन स्टेट बार जो आप कहते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो बैटरी आइकन वगैरह कुछ इस तरह से देखने को मिलते हैं। आइकन्स वगैरह मेरे को काफ़ी बढ़िया लगे। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये है भाई इसका, यहाँ पर ये रिसेंट भाई है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। लॉक स्क्रीन की हम बात कर ले, लॉक स्क्रीन काफ़ी बढ़िया बात है। यहाँ पर जैसे यहाँ पर आपको फिर दोबारा वही आपका टेम्परेचर वगैरह दिखाता है कि कितना हो रहा है। स्क्रॉल यहाँ पर स्वाइप डाउन करोगे तो आप देख सकते हो कितना स्मूथ एनिमेशन देखने को मिलता है। ये देख सकते हो कितना स्मूथ एनिमेशन देखने को मिलता है। और यहाँ पर भी आपको कुछ चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि यहाँ पर भैया पता नहीं क्या 26 तारीख के वो दिखा रहा है, यहाँ पर स्टेप दिखा रहा है, कितने आपने कदम वगैरह चले वो दिखा रहा है। और यहाँ पर आप ब्लूटूथ वाईफाई ये सब ऑन कर सकते हो, टॉर्च वगैरह ऑन कर सकते हो। और यहाँ पर ये एल्बम वगैरह भाई आई डोंट नो भैया ये सब क्या है। बाकी जो थीम है भाई काफ़ी ऑसम है, आप जाके इसको यूज़ कर सकते हो। देख सकते हो बिल्कुल आपको iOS 14 यानी कि आईफोन का लुक बना देती है। और यहाँ पर आपको एंड्रॉइड 10 का बार देखने को मिलता है। अगर आपके डिवाइस में एंड्रॉइड 10 है तो आप इसको यूज़ जरूर से कर सकते हो। तो मेरे को ये काफ़ी बढ़िया थीम लगी। ये देख सकते हो भाई इसके एनिमेशन वगैरह आप देख सकते हो काफ़ी मस्त है। आपको एंड्रॉइड 10 का भाई ये वाला जो सिस्टम लॉन्चर, इसको इंस्टॉल कर लेना और आपके डिवाइस में एनिमेशन वगैरह भी आ जाएंगे। तो देख सकते हो ये था भाई यहाँ पर आपका दूसरा थीम। अब यहाँ पर हम बात करते हैं तीसरे थीम की, शायद मे बी लास्ट थीम होगा क्योंकि और मेरे को कोई थीम देखने को नहीं मिले। जो लास्ट थीम है भाई ये काफ़ी तबाही वाला है। तबाही कैसे है, यहाँ पर इसको हम अप्लाई कर लेते हैं। अप्लाई करने के बाद भाई इस थीम में तो मतलब मज़ा ही खड़ा कर दिया। क्या मज़ा खड़ा कर दिया वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो भाई इस थीम को आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हो, मेरी मानो तो कस्टमाइज़ कर लेना। इसका सबसे बढ़िया चीज़ है भाई वो है भाई इसका लॉक स्क्रीन। लॉक स्क्रीन में क्या देखने को मिलता है वो है ये देखो भाई, इसमें आपको फिंगरप्रिंट का ऑप्शन देखने को मिलता है। जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा हमारा डिवाइस जो अनलॉक हो जाता है। तो भाई इस चीज़ को आपको कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो जो पहले आपको स्वाइप अप करना है, सेटिंग मिलेगी। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि क्लॉक स्टाइल किस तरह चाहिए, MIUI 11 चाहिए, MIUI 12 चाहिए, जो भी आपको पसंद है वो करना। हम MIUI 12 रखते हैं। चार्जिंग का भाई यहाँ पर रेड सेल का, ग्रीन वेव भाई जो भी आपको चाहिए आपको पता करना है, वेव वाला जो आता है वो है। फिंगरप्रिंट यहाँ पर स्टाइल आप जैसे नैनो हम कर देते हैं, जो कि अलग देखने को मिलेगा फिंगरप्रिंट। यहाँ पर एनिमेशन देखने को मिला है भाई, यहाँ पर ब्लास्ट वाला कर देते, देखते क्या चीज देखने मिलेगा। टाइमिंग जो है भाई फास्ट रख देते, फास्ट में काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पर हम अपना नाम लिख देते हैं, तो भाई यहाँ पर हम अपना नाम लिख देते हैं, हमने लिख दिया। अब उसके बाद यहाँ पर फिंगरप्रिंट, लोकेशन आप सेट कर सकते हो, आपको कितनी ऊपर नीचे रखनी है वो। बस मैं इतनी कस्टमाइजेशन करूँगा। अब यहाँ पर आप देखना अब आपको किस तरह लुक देखने मिलेगा। देख सकते हो कुछ इस तरह से, आप जैसे इस पर टैप करोगे भाई देख सकते हो कितना मस्त तरीके से ओपन हो रहा है। तो मे बी अगर इसका भाई इसका वॉलपेपर चेंज करके देखते हैं भाई, क्या पता वॉलपेपर चेंज हो जाए तो और काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगा। तो हम इसका वॉलपेपर एक बार चेंज करते हैं लॉक स्क्रीन में, तो देखते हैं भाई चेंज होता नहीं होता, हो जाएगा तो काफ़ी बढ़िया बात है। हाँ भाई हो चुका है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर फिंगरप्रिंट है। ये ओनली फॉर, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ भाई, ये ओनली फॉर शो ऑफ के लिए, ये नहीं कि इससे आपकी प्राइवेसी जो प्रोटेक्ट होगी, ये ओनली फॉर दिखावे के लिए है भाई। अगर आप किसी भी बंदे के सामने, अपने फ्रेंड के सामने दिखाओगे तो उसको ये लगेगा कि इसके फ़ोन में फिंगरप्रिंट है। बट भाई ये ओनली फॉर वर्क करता है कि बस ये आपके स्क्रीन को अनलॉक करने का काम करता है, ना ही आपका फिंगरप्रिंट वर्क करता है। बस ये एक एनिमेशन जिस पर आप टैप करके रखोगे तो आपका डिवाइस अनलॉक हो जाएगा। मेरे डिवाइस इसलिए अनलॉक हो रहा है, देखो मेरे डिवाइस में, देखो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ, मेरे डिवाइस में देखो यहाँ पर पासवर्ड भी लगा हुआ है। मेरा जो फेस अनलॉक से मेरा डिवाइस अनलॉक हो रहा है और उसके बाद ये फिंगरप्रिंट वर्क कर रहा है। तो मैंने आपको पहले बता दिया ये कोई सिक्योर नहीं है, और ये फिर दिखावे के नहीं है, दिखाने के नहीं। काफ़ी अच्छी चीज़ें लगी मेरे को। यहाँ पर इस फिंगरप्रिंट में कस्टमाइजेशन भी कर सकते हो, देख सकते हो फिंगरप्रिंट कितना मस्त देखने में लग रहा है। बैकग्राउंड जो आप थोड़ा व्हाइट कलर का रखना जिसमें कि आपको और अच्छा देखने हो, या फिर ब्लैक आप रख सकते हो जिसमें और भी ज़्यादा ब्लैक एंड व्हाइट रख सकते हो, जो भी आपका मन करे। बट मेरे को ये थीम काफ़ी बढ़िया लगी। इसका स्टेटस बार आप देख सकते हो, ये भी मेरे को काफ़ी बढ़िया लगा। सेटिंग वगैरह तो भाई मैंने किसी की आपको दिखाई नहीं, सेटिंग आप देख सकते हो कुछ इस तरह देखने को मिल जाती है। रिसेंट टाइम आपको कुछ इस तरह देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पर MIUI 12 का जो आपको टाइम देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है, जो कि क्लॉक स्क्रीन फॉर्मेट है वो है। और आइकन वगैरह आपको कुछ इस तरह देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। तो यार यही था बस, और मेरे को भाई ये तीन थीम अच्छी लगी तो मैंने सोचा यार आपको बता दूँ। यहाँ पर जैसे तो यहाँ पर मेरा नाम भी आ चुका है, क्लॉक फॉर्मेट काफ़ी बढ़िया लग रहा है। बाकी आप बताना यार आपको ये थीम कैसे लगी। तो ये तीन थीम थी, मैंने सोचा यार और कौन सी थीम ढूंढूँ यार, और थीम तो मेरे को नहीं मिली। अगर आपको कोई ऐसी थीम पता है जो कि किसी को भी नहीं पता है तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जाके बता देना, या फिर इंस्टाग्राम पर बता देना, तो मैं आपके लिए उस थीम का फुल रिव्यू भी ला दूंगा, उस थीम की भी वीडियो ला देंगे। तो बस यार इस वीडियो में, तो नई वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।
प्लीज़ जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, 50,000 सब्सक्राइब करें बहुत ही ज़्यादा करेंगे, प्लीज़ यार कर लेना। तो हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।